हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान ग्राम पंचायत सहायक महासंघ जालौर द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के बाहर शुरू किया। इनकी मांग है कि सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व और सत्ता में आने के बाद पुरजोर शब्दों में 27,000 ग्राम पंचायत सहायक भर्ती के माध्यम से अस्थाई रोजगार देने का वादा किया था। पंचायत सहायकों का समान काम समान वेतन 18,000 रुपए मासिक किया जाए। पंचायत सहायक में भर्ती में चयन से वंचित विद्यार्थी मित्रों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। विद्यालय सहायक भर्ती में ग्राम पंचायत सहायकों को समायोजित कर अस्थाई रोजगार दिया जाए। इन सभी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर एक दिवसीय धरना दिया गया। उसके बाद रैली के रूप में अस्पताल चौराहे तक जाकर मानव श्रृंखला बनाई गई। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम जिला कलेक्ट्रेट बीएल कोठारी को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान काफी संख्या में ग्राम पंचायत सहायक मौजूद थे। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।